Assalamu alaikum students, this is social studies period. So take out your social studies book, open lesson number 19, page number 79. First of all, write CW and date at the top of the page. In our previous lectures, we studied about food, festivals and games. हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं. इन दिस लेक्चर वी विल डू सम इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू दिस टॉपिक. सो होल्ड अ शार्प पेंसिल इन योर हैंड एंड सी द क्वेश्चन. पार्ट ए, इन विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू थिंक दीज थिंग्स आर यूज्ड. सम थिंग्स आर यूज्ड इन मोर देन वन गेम. स्टूडेंट्स, ये नीचे स्पोर्ट्स में यूज़ होने वाली कुछ चीज़ों के नाम लिखे गए हैं. इनको आपने देखना है और सोच के लिखना है कि ये चीज़ें किन स्पोर्ट्स और खेलों में यूज़ होती हैं. एक चीज़ एक से ज़्यादा गेम्स में यूज़ हो सकती है. नंबर वन, बैट. बैट किस गेम में यूज़ किया जाता है? ऑफकोर्स क्रिकेट. बॉल. बॉल को हम बहुत सारे गेम्स में यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल नेटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल. ग्लव. ग्लव भी बहुत सारे गेम्स में यूज़ किया जाता है. क्रिकेट, हॉकी, बॉक्सिंग, फुटबॉल. रैकेट, स्क्वाश, टेनिस, टेबल टेनिस. शटलकॉक, बैडमिंटन. नेट. नेट बहुत सारे गेम्स में यूज़ की जाती है. नेटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल. क्लब, स्नूकर, गोल्फ. क्यू, स्नूकर, फिशिंग. स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी डॉकेट में भी मौजूद है. सी क्वेश्चन नंबर 6. इन विच गेम्स और स्पोर्ट्स डू यू थिंक दीज थिंग्स आर यूज्ड. अब आप सेम आंसर्स यहाँ भी राइट कीजिए. पार्ट बी, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट एनी फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट एट होम. ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक टू इलस्ट्रेट इट. किसी भी फेस्टिवल के बारे में कुछ सेंटेंसेस राइट कीजिए जो आप घर पर सेलिब्रेट करते हैं, और उसकी पिक्चर भी अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ कीजिए. स्टूडेंट्स, हम ईद उल फित्र के बारे में यहाँ कुछ सेंटेंसेस राइट करेंगे. लेट्स राइट विद मी. ईद उल फित्र इज़ अ ग्रेट मुस्लिम फेस्टिवल. ऑल द मुस्लिम्स सेलिब्रेट इट विद ग्रेट जॉय. इट कम्स आफ्टर रमदान. ऑन दिस डे ऑल द मुस्लिम्स पुट ऑन न्यू क्लोथ्स. डिलीशियस फूड्स आर कुक्ड and children get their Eidi. Eid prayer is offered in the morning. All the Muslims enjoy it with parties, picnics and by visiting others' home. ईद उल फित्र मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार है. तमाम मुसलमान इसे खुशी से सेलिब्रेट करते हैं. ये रमज़ान के महीने के बाद आती है. इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं और मज़ेदार खाने पकाते हैं. बच्चे बड़ों से अपनी ईदी लेते हैं. ईद की नमाज सुबह में ही अदा की जाती है. तमाम मुसलमान पार्टीज़, पिकनिक्स और दूसरों के घरों में जाकर बहुत इंजॉय करते हैं. लेट्स रीड सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस लेसन. लेसन नंबर 19, फूड फेस्टिवल्स एंड गेम्स. नंबर 1, सेलिब्रेट. नंबर 2, फेवरेट. नंबर 3, फेमस. नंबर 4, डिलीशियस. नंबर 5, सिनेमन. नंबर 6, कार्डमम. नंबर 7, टर्मेरिक. नंबर 8, लेंटिल्स. नंबर 9, फेस्टिवल. नंबर 10, इवेंट. नंबर 11, रिलीजियस. नंबर 12, ओकेजंस. नंबर 13, कम्युनिटी. नंबर 14, चैम्पियनशिप्स. नंबर 15, माउंटेनियरिंग. नंबर 16,
ट्रैकिंग. नंबर 17 चेस. नंबर 18 ड्राफ्ट्स. नाउ दिस इज योर होम टास्क. डू क्वेश्चन नंबर 6 इन द डॉकेट एंड बुक एक्सरसाइज पार्ट ए एंड बी ऑफ लेसन नंबर 19. लर्न एंड प्रैक्टिस ऑफ लेसन नंबर 19 पेज नंबर 79 इन असाइनमेंट रजिस्टर. थैंक यू.